तो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट रॉबर्ट, एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है यामा FZ वर्जन 4 कंपनी ने कर दी है इस बाइक को दोबारा से रीलॉन्च। और इस बाइक के अंदर अब और कौन कौन से फीचर्स हैं जो कि भाई जिसके लिए आपको ये जो बाइक है ये आपको भाई अब बाइक ले लेनी चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो। इस बाइक के अंदर हम बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये जो बाइक है और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गई है। लेकिन वाली बात मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों, सबसे पहले इस बाइक के अंदर हम बात करें तो इस बाइक के अंदर अब जो आपको मीटर मिलेगा, तो कंपनी ने जो मीटर कंसोल है वो उसका प्रॉपरली चेंज कर दिया है। तो उस मीटर कंसोल के अंदर अब आपको यामा MT-15 वर्जन 2 वाला मीटर कंसोल इसके अंदर मिलेगा। यानी R15 वर्जन 3 के अंदर जो मीटर कंसोल आता था, सेम वही मीटर कंसोल कंपनी ने इसके अंदर लगा दिया है। और उस मीटर के अंदर आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं वो आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लीजिए तो इस बाइक के अंदर आपको जो मीटर मिलेगा उसके अंदर आपको ब्लू कलर का मीटर आपको इसके अंदर मिल जाएगा। और साथ के साथ में RPM मिल जाएगा आपको इसके अंदर, 1, 2, 3, 4, रियल टाइम माइलेज आपको बता देगी ये, और सर्विस रिमाइंडर और क्लॉक हो गया तो, और ब्लूटूथ नेविगेट मतलब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें आपको ये जो बाइक है ये सब बता देगी। तो कॉल अलर्ट हो गया आपका, मेल अलर्ट हो गया, या कोई भी आपको मैसेज आ रहा है तो वो सारी चीज़ें आपको ये जो बाइक है ये बता देगी। नेक्स्ट है, अगर हम इस बाइक की बात करें तो इस बाइक के अंदर आपको जो इंजन मिलने वाला है, इंजन आपको सेम वही पहले वाला ही इंजन मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे आया है भाई नया ट्विस्ट। ट्विस्ट ये आया है कि इस बाइक के अंदर अब आपको जो फ्लेक्स फ्यूल जो कि बहुत जल्दी आने वाला है इंडियन पेट्रोल पंप्स के अंदर, तो वो आप इसके अंदर आराम से, अभी तक तो जहाँ तक सर्वे के अकॉर्डिंग पता चला है कि इसके अंदर आपको दोनों ही जो ऑयल है दोनों डलवा सकते हो, यानी पेट्रोल और फ्लेक्स फ्यूल दोनों ही डलवा सकते हो, जो कि 100% डलवा सकते हो आप। तो ये चीज़ भाई इस बाइक के अंदर काफ़ी बढ़िया आ गई है, जो कि पर्सनली मुझे आई है बहुत ही ज़्यादा पसंद। बात करी जाए तो दोस्तों, इस बाइक के अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो आपको इंजन 149cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल टू वॉल 4-स्ट्रोक आपको इसके अंदर इंजन मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकाल के देगा वो निकाल के देगा आपको 12.4 PS की पावर निकाल के देगा एट 7,250 RPM पर, और जो मैक्सिमम टॉर्क रहेगा वो रहेगा 13.3 Nm एट 5,500 RPM पर। पेट्रोल के अकॉर्डिंग अगर मैं इस बाइक की माइलेज की बात करूँ तो दोस्तों, माइलेज के मामले में भाई किंग है ये जो बाइक है, आराम से आपको 50 से 55 तक का माइलेज निकाल के दे देगी। और अगर वही मैं फ्लेक्स फ्यूल की बात करूँ तो यार, फ्लेक्स फ्यूल के अकॉर्डिंग तो मेरे हिसाब से जहाँ तक न्यूज़ मेरे पास सोर्स आई है वो ये आई है कि फ्लेक्स फ्यूल 60 से 70 रुपये तक के बीच का आएगा, तो माइलेज आपको 55 की मिलेगी। तो भाई सोने पे सुहागा है यार, 55 का माइलेज आपको मिल जाएगा तो भाई और क्या लोगे, 55 भी नहीं तो 50 भी दे दिया, तो 70 रुपये में 20 रुपये में 50 किलोमीटर मतलब 20 रुपये कम में ही मतलब अराउंड 1 किलोमीटर आपको 1.2 के 1.20 रुपये के समथिंग में पड़ जाएगा। तो यार और क्या चाहिए जब यार आपको इसके अंदर इंजन साथ के साथ में मिल रहा है। तो BS6 का आपको इसके अंदर मिल जाएगा इंजन, और BS6 का इंजन के साथ ये जो फ्लेक्स फ्यूल वाला इंजन आया है तो ये आपके जो मिलेगा वो मिलेगा, मैं प्रॉपरली इसको BS7 नहीं कह सकता, BS6.2 कह सकते हैं हम, कि उसी का BS6 का अपग्रेड वर्जन जो है वो इसके अंदर आपको मिला है। बोर जो आपको इसके अंदर मिलेगा वो आपको 57.3 mm का बोर मिल जाएगा। स्ट्रोक जो मिलेगा 57.9 mm का आपको इस बाइक के अंदर स्ट्रोक मिल जाएगा। वहीं पे अगर इसकी नेक्स्ट पॉइंट की बात करी जाए वो ये है कि इस बाइक के अंदर आपको डुअल डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिल जाएगा, और साथ के साथ में आपको सिंगल चैनल ABS आपको ये बाइक जो है देगी। टायर साइज की बात करूँ तो जैसे कि मैं भाई हर बार ही बोलता हूँ भाई, यही सेम टायर सबसे पहले FZ से निकाल के R15 वर्जन 3 में लगे हैं, तो टायर साइज के मामले में भाई एक नंबर टायर, अब जितना हो सके भाई उतनी कॉर्नरिंग आपका सख्त, कोई इशू वाली बात नहीं है। 100x80 का फ्रंट टायर है 17 जिसके अलॉय व्हील्स के साथ, और जो रियल टायर आपको मिलेगा वो आपको 140x60 का रियल टायर मिल जाएगा फिर 17 जिसके अलॉय व्हील्स के साथ। रेडियल टायर आपको इस बाइक पे पीछे मिल जाएगा, ट्यूबलेस टायर आपको इस बाइक में मिलेगा, अलॉय व्हील्स मिलेगा आपको। बाकी डिपेंड करते हो कि अगर आप, जैसे मैंने ये टॉप वेरिएंट की बात कर रहा तो इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि ब्लू अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे आपको इस बाइक के, जो अलॉय व्हील है वो पीछे के ब्लू कलर के मिल जाएंगे, ब्लू कलर मतलब आगे पीछे दोनों ब्लू कलर में मिल जाएंगे। एक इसके अंदर आई थिंक गोल्डन कलर में भी अलॉय व्हील्स में आ जाएंगे, बाकी नॉर्मल ब्लैक में तो आपके आते ही हैं। अगर आप मुझसे रिकमेंड करते हो कि कौन से कलर के लेने चाहिए तो भाई इंडियन रोड के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से आप लोग लो तो ब्लैक कलर में ही ले लो, अदरवाइज बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि भाई मेरे पास भी रेड कलर की अपाची है और भाई उसमें मुझे पता है बड़ी मेहनत लगती है भाई साफ़ करने में। तो वहीं पे हम इस बाइक की डायमेंशंस के बारे में बात कर ले तो सीट हाइट जो मिलेगी आपको 790mm की सीट हाइट मिलेगी, और जो इस बाइक का व्हील बेस मिलेगा वो मिलेगा 1330mm का व्हील बेस आपको इस बाइक में मिल जाएगा।
लेंथ की अगर मैं बात करूं तो वो मिलेगी आपको 1990 mm की लेंथ मिलेगी, और इस बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा वो आपको 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस बाइक में मिल जाएगा। हाइट की अगर मैं बात करूं तो वो मिलेगी आपको 1080 mm की आपको इस बाइक में हाइट मिल जाएगी, और जो विड्थ मिलेगी वो आपको 2000 mm की ही इस बाइक के अंदर विड्थ आपको मिल जाएगी। पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी की बात करो तो देखो माइलेज के अकॉर्डिंग देखा जाए पेट्रोल टैंक बहुत बड़ा है भाई, 13 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलेगा आपको इस बाइक के अंदर, और अराउंड अगर मैं एक मोटा मोटा हिसाब लगा लूँ तो अगर नॉर्मल पेट्रोल के हिसाब से बात करूँ तो 1300 रुपये का पेट्रोल हो गया आपका, 1300 रुपये के पेट्रोल के हिसाब से अराउंड ये आपको 550 से 650 किलोमीटर ये समथिंग निकाल देगी, तो यार और क्या चाहिए। वही पे इस बाइक की कर्व वेट की बात करूँ तो वो आपको मिलेगा 136 kg का कर्व वेट आपको इस बाइक में मिल जाएगा, और LED टेल लाइट, यानी टेल लाइट जो है इसकी आपको अगर मैं क्लियर बात करूँ तो जो MT15 में आती है पीछे की टेल लाइट फुली LED टेल लाइट जो आती है आपको वो आपको इसके अंदर मिल जाएगी, और अब इसके अंदर जो इंडिकेटर्स भी आपको LED मिल जाएंगे, लेकिन आपको वो इंडिकेटर्स जैसे अगर आप टॉप मॉडल लेते हो तो आपको एक्सटर्नल नहीं लगवाने पड़ेंगे, अगर आप बेस मॉडल लेते हो मतलब बिल्कुल लोअर वेरिएंट लेते हो तो उसमें आपको भाई एक्सटर्नल उसके जो चार्जेस है वो आपको अलग से देने पड़ेंगे। तो LED फ्रंट हेडलाइट भी इसकी एक नंबर LED हेडलाइट लगा, लेकिन फ्रंट टाइप से अगर मैं लुक की बात करूँ तो मुझे थोड़ा सा मज़ा नहीं आया, मुझे ऐसा लगा जैसे कि वर्जन 1 जो आई थी सेम वैसा ही लगा, साइडों में थोड़ा सा LED की स्ट्रिप लगवा दी, तो वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है, पर्सनली मुझे नहीं आई। बाकी आप लोग अगर आप लोग को पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बता रहा। फ्रंट डिस्क की बात करूँ तो 282 mm की फ्रंट डिस्क ब्रेक है, और जो रियल डिस्क ब्रेक है वो आपको 220 mm की रियल डिस्क ब्रेक आपको इस बाइक में मिल जाएगी। वाई कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी, और ऐप के अंदर भी अब जो हर कंपनी है वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है कि भाई ऐप के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिल रही है, तो यार ये चीज़ बहुत अच्छी है। अगर मैं आप मुझसे पूछो कि कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए तो भाई मैं हमेशा यही चीज़ बोलता हूँ, कोई भी बाइक परचेस करो, मैं ज़रूरी नहीं है यामा की बात करो, किसी भी ब्रांड की कोई भी बाइक आप ले रहे हो तो टॉप वेरिएंट ही लो, क्योंकि इन फ्यूचर में अब आने वाले फ्यूचर के अंदर क्या है आप लोग को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाली ही बाइक मिलेंगी, तो उसके अंदर क्या है अपग्रेड कंपनी जो है भाई अपने ओल्ड कस्टमर्स को कभी भी वो नहीं करती है कि निराश नहीं करती है कि भाई फीचर्स हम नए मीटर के अंदर ही देंगे। अपग्रेड आता आते 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 भाई आपका जो मीटर है वो भी इन फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो जाएगा, इसलिए इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, तो टॉप मॉडल ही लेना। और अगर आपको नॉर्मली मतलब कोई इतना फंक्शंस या ब्लूटूथ से इतना कोई मतलब नहीं है तो फिर तो नॉर्मल बिल्कुल बेसिक मॉडल ही आप इस बाइक का पकड़ लो। और साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर भी मिल जाएगा, साइड स्टैंड आपको इंडिकेटर जो है वो आपको मीटर में भी पता चल जाएगा, ब्लू कलर का आपको इस बाइक पे मीटर मिलेगा। LED टेल लाइट आपको सब कुछ इसके अंदर LED मिल जाएगी, अब इस बार इंडिकेटर्स भी हो गए आपके टेल लाइट, इसकी पहले LED थी, और फ्रंट हेडलाइट भी इसकी LED में ही आ गई है। बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में, तो देखो दोस्तों इस बाइक के अंदर आपको स्टैंडर्ड जो ब्लूटूथ का जो एक्सशोरूम प्राइस मिलेगा वो मिलेगा 1.21 lakh rupees का एक्सशोरूम मिलेगा। DLX मॉडल जो मिलेगा वो आपको 1.24 lakhs का मिलेगा, और जो टॉप एंड यानी जो वर्जन 4 का है वो मिलेगा आपको 1.27 lakh rupees का आपको इसका ऑन रोड प्राइस मिल जाएगा। एक्सशोरूम प्राइस अगर आप चाहते हो मैं ऑन रोड की भी बता देता हूँ तो चलो मैं आप लोग को ऑन रोड का भी बता देता हूँ। तो स्टैंडर्ड ब्लूटूथ वेरियंट का जो है 1.38 lakh 241 rupees ऑन रोड ये पड़ेगी। डिलक्स मॉडल की बात करें तो ऑन रोड जो प्राइस पड़ेगी वो बढ़ेगी 1,41,554 rupees की, और जो वर्जन 4 डिलक्स मॉडल है जो कि टॉप मॉडल है वर्जन 4 का जो मॉडल है वो पड़ेगी आपको 1.44849 rupees की आपको पड़ जाएगी, यानी 1.5 lakh में 6,000 कम, बाकी इतना डिस्काउंट दे देती है यार कंपनी दे देती है। तो भाई बाइक के मामले में बताई जाए तो यार देखो यामा की अगर मैं बात करूँ तो यामा की सबसे टॉप सेलिंग बाइक है FZ जो है ये काफ़ी ज़्यादा सेल होती है क्योंकि लुक्स मिलता है सब कुछ मिलता है। अब मैं एक बात बताता हूँ मैं इस बाइक से क्यों निराश हुआ, मुझे मतलब एक जो न्यू फीचर मुझे चाहिए था ना, अगर मैं बात करूँ अगर मैं इस बाइक को परचेज करना चाह रहा हूँ तो मुझे कोई न्यू फीचर चाहिए, तो यार न्यू फीचर मुझे ऐसे नहीं लगा कि कुछ इसमें न्यू फीचर आया कैसे, क्योंकि कंपनी जो है ना इस बाइक को ना ऐसा लग रहा था कि जब मैंने देखा पहले टेल सेशन से लगा कि यार MT15 की तरह थोड़ी जा रही है, अब मीटर भी इसमें MT15 वाला R15 वर्जन 3 वाला दे दिया, तो वहाँ से यार थोड़ा सा दिल पे लगे यार कि यार कंपनी क्यों कर रही है ऐसे। नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट की बात करूँ तो फ्रंट हेडलाइट, अच्छा थैंक गॉड फ्रंट हेडलाइट बदल दी यार, अगर फ्रंट हेडलाइट भी MT15 की डाल देती ना तो मेरे हिसाब से MT15 की बाइक सेल्स डाउन हो सकती थी, पर भाई MT15 अपे 200 cc को टक्कर देती है यार, और ये तो नहीं दे पाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ थी, बाकी ओवरऑल जो बाइक का लुक निकल के आया लुक बहुत प्यारा निकल के आया है,
बाकी देखो लुक्स के मामले में अपने अपने भाई वो है थॉट है कि आप किसको लुक पसंद है, और मैं तो अपनी बात करूँ तो भाई मुझे इंजन, तो इंजन के मामले में बात करूँगा भाई, अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जिसका इंजन हो रिफाइंड, और भाई एक बार लेने के बाद अगर आप इस बाइक की टाइम टू टाइम सर्विस करा रहे हो ना, टाइम टू टाइम सर्विस करा रहे हो, 1 से 2 लाख किलोमीटर तक जा सकती है, बस डिपेंड क्या करता है आपकी टाइम टू टाइम सर्विस होनी चाहिए इस बाइक की। यामा का इतना रिफाइंड इंजन है, इतना रिफाइंड इंजन है कि बस मैं क्या बताऊँ, और भी ब्रांड्स है, बहुत सी ब्रांड है जो अपनी इंजन को और भी ज़्यादा रिफाइन करें, लेकिन यामा भाई वन ऑफ द बेस्ट रहती है अपने इंजन रिफाइनमेंट को लेके। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे दोनों ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, मॉडिफाइड बाइकर्स और दूसरा आरके ऑटो सर्विस, दोनों ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो बाय।